इतनी दूर दराज से इतनी बड़ी संख्या में आप सभी जिस स्वागत के लिए पधारे हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत वंदन करता हूं। मुझे पता है कि आपके मन की जिज्ञासा और आपके मन में जो भाव है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस संकल्प पत्र के साथ हमारी पार्टी आपके बीच में गई थी मित्रों, उस संकल्प पत्र को आपकी ताकत से हमारी सरकार पूरा करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राजस्थान के युवाओं को जो हमने विश्वास दिलाया है, राजस्थान की जनता को जो हमने विश्वास दिलाया है, हमारी सरकार उस विश्वास को पूरा करेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आने वाला 9-10-11 दिसंबर राजस्थान का राइजिंग राजस्थान, इस राजस्थान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने और आप सबने मिलकर जो राजस्थान के लिए सपना देखा था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान उन सपनों को पूरा करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी हमारी यह यात्रा प्रारंभ हुई है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो ये प्रारंभ हुई है। आने वाले समय में आप सभी को जो मन में बात है आपके में, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा और हमारा राजस्थान देश का प्रथम प्रदेश होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए क्योंकि कार्यालय पर कार्यक्रम है, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, अभी कार्यालय चलेंगे, सभी वहां बड़ा कार्यक्रम है, आप आइए। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो जयपुर से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि स्वदेश जो है लौट आए हैं सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए लंदन और जर्मनी के दौरे पर थे सीएम भजनलाल शर्मा, और आज वो लौटने पर उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, पहले एयरपोर्ट पर सीएम का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे, जहां पर उनका फूल मालाओं के साथ शानदार तरीके से स्वागत किया गया। और उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि किस तरीके से जर्मनी और लंदन के दौरे पर जब वो थे तो वहाँ पर उनका कैसा जो स्वागत किया गया और किस तरीके से उन्होंने निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है राज्य में, और यही वजह है कि अब जो है उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक बार फिर से विकास की जो बयार राजस्थान में चली है वो और तेज होगी और विकास के पथ पर लगातार राजस्थान आगे बढ़ता जाएगा। तो ये तस्वीरें जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जयपुर एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया, बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर उमड़े हुए थे।